हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आठवीं क्लास के बच्चों के लिए आज जो आपका चैप्टर नंबर वन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको होमवर्क में आपके स्माइल प्रोग्राम में मिले हैं। तो आप इसको इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए और उसके बाद आप इनको कॉपी में नोट करेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि आपका जो फर्स्ट असेसमेंट होगा गवर्नमेंट स्कूल के सभी बच्चों का जो फर्स्ट असेसमेंट होगा वो आपका होमवर्क और आपकी जो नोटबुक्स आप चेक करवाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे या स्कूल में भिजवाकर उनके द्वारा, और जो आपकी क्विज होती है वो आप कितनी अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके आधार पे आपका जो फर्स्ट असेसमेंट है वो होगा। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर जो आपके जो फर्स्ट होमवर्क आया है वो मैं आज आपको करवा रही हूँ। इसके बाद आपका सेकेंड होमवर्क भी मैं आपको आज ही इसके साथ ही करवा दूंगी, क्योंकि कुछ बच्चों को इनके आंसर्स नहीं समझ में आ रहे थे तो मुझे लगा मैं एक वीडियो बना के पूरे क्वेश्चंस इन हिंदी और उसके आंसर्स भी हिंदी में समझा देती हूँ ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कम से कम एक बच्चे को जरूर शेयर कीजिएगा आज आप, ताकि उसको भी इसका फायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप। ऑथर का मतलब होता है लेखक। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड यानी लेखक को क्या मिला था इन द जंक शॉप, वो जो कबाड़ की दुकान थी उसमें लेखक को क्या मिला था। द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क मेड ऑफ ओक वुड इन द जंक शॉप। तो जो लेखक था उसको फाउंड यानी मिलना, प्राप्त होना, फाइंड जो है उसका सेकेंड फॉर्म चेंज हो गया है आपका, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म से चेंज हो गया, ये फाउंड हो गया है आपका, यानी क्या मिला था उसको। द ऑथर फाउंड, जब भी कभी आप क्वेश्चन से आंसर्स में जाते हैं तो जो वर्ब होती है उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे फाइंड का फाउंड हो गया। द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क यानी ऑथर को क्या मिला, एक रोल टॉप डेस्क यानी एक मेज मिली, रोल टॉप मेज मेड ऑफ, और वो किस चीज की बनी हुई थी, ओक वुड, और वो ओक की लकड़ी की बनी हुई एक मेज मिली थी उसको इन द जंक शॉप, उस जंक शॉप के अंदर। तो प्रश्न का उत्तर ये है कि जो लेखक था उसको उस कबाड़ की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क मिला था जो कि ओक की लकड़ी का बना हुआ था। एंड इट वॉज बैडली आउट ऑफ शेप एंड नीडेड लॉट्स ऑफ रिपेयर, और उसकी हालत बहुत खराब थी यानी जो उसका आकार था वो उल्टा पुल्टा हो चुका था क्योंकि वो बहुत पुराना था, और नीडेड यानी जरूरत थी लॉट्स ऑफ रिपेयर यानी उसको बहुत ज्यादा मरम्मत की जरूरत थी, यानी वो बहुत ही खराब स्थिति में उसको मिला था क्योंकि पुराना भी था और काफी मुड़ तुड़ भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, यानी जो रोल टॉप डेस्क था जब उसने उसको चारों तरफ से देखा तो उसको एक ऐसा खाना खण, वो बोलते हैं ना जिसको एक खण मिला जो दिख नहीं रहा था, लेकिन जब उसने पूरा उसको उल्टा पुल्टा किया तो उसमें एक सीक्रेट ड्रॉअर यानी जो वैसे दिखता नहीं था लेकिन अगर ध्यान से देखें तो उसके अंदर एक ड्रॉअर बना हुआ था जिसको सीक्रेट ड्रॉअर का नाम उसने दिया है, वो मिला। हु डिड डू यू थिंक हैड पुट इट इन द इन दिस, और उसके अंदर क्या चीज रखी हुई होगी वो आप बताइए, जो टेबल उसको मिला रोल टॉप डेस्क उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉअर भी थी तो उसमें उसको क्या मिला होगा। He found a small black tin box. उसको उसके अंदर वापस देखिए find का found हो गया, यहाँ पे वर्ब चेंज हो गई है कि उसको एक छोटा सा टिन का small black tin box, छोटा काला टिन का एक बक्सा मिला था उस ड्रॉअर में, इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, वो जो सीक्रेट ड्रॉअर थी, और उसके अंदर क्या रखा हुआ था, जिम्स वाइफ मिसेस मैकफर्सन हैड पुट इट इन देयर हेयर नेम एंड एड्रेस वर ऑन दी एनवलप, और ये किसने रखा था, मिसेस मैकपर्सन ने रखा होगा वहां पर उसके अंदर, जेम्स की जो पत्नी है मिस मैकपर्सन उन्होंने जरूर उसके अंदर वो रखा होगा, और उसमें क्या चीज रखी हुई थी, नेम एंड एड्रेस वर ऑन दी एनवलप इनसाइड द बॉक्स, और उसके अंदर वो जो एनवलप था उसके अंदर उसमें नाम लिखा हुआ था उस एनवलप के अंदर। तो ही फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉअर, उसको उस गुप्त दराज के अंदर एक छोटा सा काले रंग का टिन का बक्सा मिला, जिम की जो पत्नी थी जिनका नाम था मिसेस मैकफर्सन हैड पुट इट इन देयर, उन्होंने उसके अंदर जरूर उसको रखा होगा। हेयर
नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनवलप इनसाइड द बॉक्स, और उस बॉक्स के ऊपर एनवलप था जिसके ऊपर नाम और एड्रेस लिखा हुआ था। Who had written the letter to whom and when? और ये पत्र जो है वो किसने लिखा था और किसको लिखा था? जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर, यानी जिम मैकफर्सन ने वो पत्र लिखा था और किसको लिखा था? अपनी पत्नी मिसेस मैकफर्सन को लिखा था। द लेटर टू हिज वाइफ मिसेस मैकफर्सन ऑन ड्यूरिंग डिसम्बर 1940, और वो कब लिखा था उन्होंने? 1914 में उन्होंने वो पत्र लिखा था अपनी पत्नी के लिए, और इट वॉज रिटन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये लिखा गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों और जर्मनी के बीच में युद्ध चल रहा था, तो मिस्टर मैकफर्सन वहां पे उस युद्ध में थे, और वहां पर उन्होंने ये पत्र अपनी पत्नी के लिए लिखा था और उस पे उनकी वाइफ का एड्रेस भी लिखा हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? ये जो लेटर था ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखा गया था 1914 में। तो आई होप ये तीनों जो प्रश्न है इनके आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे के जो दो क्वेश्चन और हैं वो कंप्लीट करते हैं, फिर आपका ये होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक होमवर्क एक शीट के ऊपर पूरा कंप्लीट करना है, अपना नाम क्लास और डेट ऑफ होमवर्क डाल के आपको अपने स्कूल में भी जमा कराना है ताकि आपका पोर्टफोलियो में इसको लगाया जा सके। तो नोटबुक में भी नोट करना है और एक आपको प्लेन पेपर पर लिख के स्कूल में भी जमा कराना है। तो चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तीन क्वेश्चन हमारे इस होमवर्क नंबर वन के हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर सोल्जर्स, यानी ये उस समय की बात, क्वेश्चन जो है ये उस समय का पूछा जा रहा है जब 1914 में हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन दोनों सैनिक थे, तो उस समय उन दोनों के पास ये सैनिक बनने से पहले वो लोग क्या काम करते थे? बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, आर्मी ज्वाइन करने से पहले हैंस प्लेड सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैंस जो है वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाया करते थे, एंड जिम वॉज अ टीचर, और जिम जो था वो एक अध्यापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉरसेट, क्या हैंस वुल्फ कभी भी डॉरसेट गया था? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, क्यों वो ऐसा क्यों कहता है कि वो उसके बारे में जानता है? तो आंसर है हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉरसेट, हैंस वुल्फ कभी भी डॉरसेट नहीं गया था, नॉट टू इंग्लैंड, और यहां तक कि वो इंग्लैंड भी नहीं गया था, डॉरसेट तो बहुत दूर की बात है, बट ही न्यू इट, लेकिन वो उसके बारे में इसलिए जानता था क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ही रेड अबाउट इट इन हिज फेवरेट बुक, उसने उस जगह के बारे में अपनी एक पसंदीदा किताब के अंदर पढ़ा था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उस किताब का नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और वो लिखी गई थी थॉमस हार्डी के द्वारा। तो लेखक का नाम था थॉमस हार्डी और किताब का नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, नाम की जो किताब थी वो थॉमस हार्डी ने लिखी थी और उस किताब को उसने पढ़ा था, और उसके द्वारा ही उसको उस जगह के बारे में, डॉरसेट और इंग्लैंड के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। तो आई होप आपको अब ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अब एक पेपर आपका सेकंड पेपर भी आ चुका है 8th क्लास का, उसके भी क्वेश्चन आंसर्स में आज आपको याद लिखवा देती हूँ ताकि आप उसको लिख सकें और याद कर सकें। और आपने चैप्टर अगर पढ़ा है तो आपको कैसा लगा, और हर एक वीडियो के बाद में आप कमेंट जरूर करा कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में आ रहा है, हेल्पफुल है या नहीं है। और जाने से पहले आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, और अच्छे से कमेंट भी क्या कीजिए कि आपको कैसा लगा, और अपने सभी फ्रेंड्स को बताइएगा कि जिसको भी इंग्लिश पढ़नी हो वो इस चैनल पे पढ़ाई कर सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम को भी आप लोग सुना कीजिए। थैंक यू।